बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां हमीरपुर से चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दो लड़कों ने एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया, जिसके बाद दोनों लड़के फरार हो गए। चोरी की घटना का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चोर एक चाबी के जरिए एटीएम मशीन खोलकर 1 लाख रुपए से ज्यादा उड़ाकर वहां से रफू चक्कर हो गए। दोनों चोरों ने पहले एटीएम मशीन को मास्टर चाबी से खोलकर छेड़छाड़ की, प्लेट नुमा कोई चिप मशीन में डाली, जिसके बाद मशीन से रुपए बाहर नहीं निकल रहे थे। बाद में चोरों ने दोबारा से मशीन के साथ छेड़छाड़ की, चाबी से उसको खोलकर कैश चोरी करके ले गए हैं चोर। वारदात को अंजाम देने वाले दोनों लड़के फरार हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। चोरों के पास एटीएम मशीन की मास्टर की कैसे पहुंची, ये बड़ा सवाल है। पुलिस फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है और इन दोनों चोरों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, अमूमन इस एटीएम से आप पैसे निकालने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चोर कैसे दिन के उजाले में इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं, ये अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहा है। देखिए, पहले चाबी से खोलने की कोशिश की जाती है, फिर एक प्लेट को अंदर डाला जाता है, फिर दोबारा से चाबी के जरिए खोलने की कोशिश की जाती है और आखिरकार ये चोर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं और कैश निकाल कर यहां से फरार भी हो जाते हैं। देखिए, दिन दहाड़े का ये मामला है, यानी कि दिन के उजाले का ये मामला है। बड़ी आसानी से बिना किसी डर के ये चोर इस एटीएम मशीन में घुसे हुए हैं, आराम से चोरी कर रहे हैं, आराम से चाबी लगा रहे हैं, प्लेट डाल रहे हैं और जब पैसे निकल जाते हैं तो बड़ी ही तसल्ली से चोर यहाँ से रवाना भी हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से फरार भी हो जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर इन चोरों पर किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी, दिन दहाड़े चोरों की हिम्मत कैसे हुई कि एटीएम में छेड़खानी की और पैसे लेकर फिर वो फरार भी हो जाते हैं।